आर सी एम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा प्रकरण है वर्णमाला। कल हमने पढ़ेंगे कि वर्ण की हमने परिभाषा पढ़ ली थी, और कितने होते हैं और संख्या कितनी होती है उनके बारे में हमने जान लिया था। और आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वैसे तो वर्णमाला का क्या होता है, वर्णों की माला। शाब्दिक अर्थ जो वर्णमाला है इसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्णों की माला। लेकिन इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। कोई भी भाषा हो, हर भाषा जो भी उनकी सांकेतिक भाषा है, जो हमारी भाषा है या कोई भाषा हो, उसको हम जो बोलने के जो जिन वर्णों का उपयोग लेते हैं वो क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। और जो वर्णमाला है वो हमारे जो भी हिंदी भाषा हो या कोई भी भाषा हो उसमें जो मेन होता है वो वर्णमाला ही होती है। उनको हम अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करते हैं, वर्णों के माध्यम से। और उन वर्णों को अगर हम सुव्यवस्थित क्रम में कर दें तो वो बन जाएगी, वर्णमाला बन जाएगी। जो वर्णमाला है हमारे हिंदी भाषा में जो विद्वान है इन वर्णमाला के रूप में इनके अनेक मत हैं, या आज ठीक से वो निभाने में कितने वर्ण है कितने नहीं है, हर चीज में इसका अलग महत्व है। जैसे वर्ण संख्या को लेकर यहाँ पे हम मेन पढ़ेंगे कि वर्णमाला में संख्या कितनी होती है, वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्णों की संख्या होती है मूलतः वर्ण संख्या, वर्णों की संख्या होती है 44 यानी कि 44। जैसे स्वर और व्यंजन को मिलाकर कितनी होती है, 44 होती है। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। स्वर और व्यंजनों को मिलाकर जो हमारी वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या होती है 44। और सामान्यतः वर्णों की संख्या 48 होती है, 48 होती है। इसमें हम चार जो संयुक्त व्यंजन है उनको और जोड़ देते हैं, 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन, व्यंजन और चार संयुक्त व्यंजन। चार मिलकर कितने होते हैं, 48। और जो देवनागरी लिपि जो हमारे जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के अनुसार जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या 52 है। देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों की संख्या 52 होती है। वो कि 11 हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 11 व्यंजन हो गए और
उसके बाद में दो भाव हैं और दो हमारे होते हैं उच्छिप्त इसमें 11 और दो होते हैं अब हम देखते हैं कि भाई हमने 100 व्यंजन पढ़े 11 स्वर होते हैं 100 का पता है स्वरों को है 30 व्यंजन का भी पता है 30 व्यंजन कौन कौन से अब हमें ये उच्छिप्त होते हैं रे और डे इतना है कि जो टैग मैंने आपको जब ये वर्ड्स